सर मनोज झा जी, इस शिविर में उत्तर बिहार के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, आप वहां के सभी पदाधिकारी आज एकत्रित हैं, जुटे हैं, एक साथ गुफ्तगु हो रहा है, एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं। मैं भी देख रहा था उत्तर बिहार गोपालगंज से लेकर के किशनगढ़ तक का जो इलाका है, गोपालगंज के अंदर आता है, गंगा जी के उस पार, माँ गंगा के, और उत्तर बिहार के की जो जमीन है हमारा बेस्ट फर्टाइल लैंड है, सबसे ज्यादा उपज, लेकिन जनसंख्या का घनत्व बहुत ठीक है, बहुत, इसलिए जितना लोगों को का फैलाव होना चाहिए नहीं हो पाता, इसलिए उत्तर बिहार के अधिकांश लोग हमारे मजदूर भाई देश में और प्रदेश में, विदेश में रोजी रोजगार के तलाश में जाते हैं। हर साल बाढ़ की विदेश झेलते हैं, घर के नेव को मजबूत ही नहीं कर पाते तब तक घर ध्वस्त हो जाता है, ऐसे में उहाप वहाप में लोग रहते हैं। प्रदेश के जो राष्ट्र जा रहा, भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से मतलब नहीं है, उनको राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत फैलाना, नफरत फैला के इनको टेस्ट आ गया, स्वाद आ गया इनको दंगा फसाद का चर्चा करके करके ये सत्ता में आए हैं, आते रहते हैं, लेकिन इसकी भी कोई सीमा होती है। देश की जनता सारे चीजों को, इनके डिजाइन को समझ रही है, देख रही है, सब लोग आवाज कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की जो बीजेपी के बाद जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित, हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, बार बार विकल्प बनाने की कोशिश होती है, विकल्प की चर्चा होती, और फिर भी विकल्प में कोई ना कोई खोट आ जाता है, इसलिए लोग हैं शासन में बैठे हुए। आज भी पक्ष के लोग सब इकट्ठा हो जाए किसी के भी नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के राज में सफाया है। आपको याद होगा कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो श्री अडवाणी जी ने कमंडल उठा के सोमनाथ से देकर के देश भर में परिक्रमा का प्रोग्राम बनाया था, और 20 ही उगलते थे, कमंडल 20 उगलते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को जो रिजर्वेशन हुआ, इसको बहुत नफरत के दृष्टि से लोग देखते थे, विरोध करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूती के साथ, लेकिन आज शासन के बाद, हम लोग शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ता पर आई, सामाजिक न्याय के रास्ते पर उसको आना पड़ा और लोगों को, लेकिन आते आते फिर उन चीजों को समाप्त कर दिया, सब आरक्षण खत्म कर दिया, जातीय जनगणना का
मांग कोई साधारण मांग नहीं है। इस जातीय जनगणना के नहीं होने की वजह से समाज के अंतिम प्रावधान पर बैठा हुआ इंसान, कम्युनिटी, समाज पीछे छोड़ते जा रहा है। उनके लिए बजट का प्रावधान नहीं हो पाता, अंदाज पर नहीं बना पाते लोग, जो स्कीम है। जातीय जनगणना हमको, हम लोग लड़े हैं, लड़ेंगे और इसको लेकर ही हम लोग रहेंगे, जातीय जनगणना करा करके देश में, और इसी आधार पर देश का बजट बनेगा, सब राज्यों का बजट बनेगा। इसी से जो गैर बराबरी है समाज में, जो खाई है, इसको पाटा जा सकता है, पाटा जाएगा। महंगाई की चर्चा करने की जरूरत क्या है? महंगाई तो आप जान रहे हैं, फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, सब सामान का दाम, गैस का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, दवाई का दाम, पढ़ाई भी महंगा होते जा रहा है चारों तरफ इस राज्य में। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने जो बीड़ा उठाया, हम लोग पहले भी लोकसभा में जब हम थे तो मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी मिल के हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा था, कोई नई बात नहीं है। उसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उस समय तो नहीं साथ में रहते थे, लेकिन इधर देखा कि सर्वदलीय बैठक भी असेंबली को हुई तो उसमें ये गए थे, माननीय प्रधानमंत्री के यही लोग गए थे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको देखेंगे, बहुत उसको अनुभूति दिखाई थी। लेकिन बाद में मालूम हो गया सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा गया वो गलत चला गया, सही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं कराया गया। तो चारों तरफ बिहार के अंदर देख रहे हैं अभी जो तोकरबड़ी का जो चुनाव हो रहा, पंचायत का, वार्ड परिषद का, जिला परिषद का, लगातार मर्डर हो रहा, खून हो रहा, रोज हत्याएं हो रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कब किसका जान चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। डबल इंजन के सरकार में बिहार को स्पेशल कैटेगरी, स्टेट विशेष राज्य का दर्जा हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि जब तक पिछले राज्य में हमारा जो राज आता है उन्नत राज्यों के बराबरी तक हमको नहीं पहुंचाओगे, छलांग नहीं लगाने दोगे तो खाई रहेगा। इसलिए इसमें राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, आपको याद होगा, याद करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, लोगों को, कि किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, किस तरह की इनकी बोली है, किस तरह की इनकी भाषा है, किस समाज में जाके बैठे हुए हैं। ये बोलते थे कि जो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देगा उसी के साथ हम चले जाएंगे। समाज में भाई आपको विशेष राज्य का दर्जा तो दिया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, तो फिर क्यों चला गया वहां? लोगों को बेवकूफ बनाते हो। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना और बिहार के नौजवानों को जो बेकारी झेल रहा है, लोग चारों तरफ झेल रहा है बेकारी कमाल, कहीं कोई रोजी रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है, ही नहीं, नहीं देता, उस पर ध्यान ही नहीं है लोगों। इसे राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेवारी बनती है, राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेवारी बनती है कि अपने संगठन को तेज और धारदार बना करके ऐसे चीजों पर हम हमला करें, मोदी से, भाषा से, वोट से, और जेल जाने से नहीं डरना चाहिए। जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी गांधी मैदान में मेरे हिस्सा में पहली मीटिंग हुई थी, था उसमें जयप्रकाश बाबू ने कहा था कि
जेल से स्वराज मिला है, जेल से स्वराज मिला है। इसलिए मित्रों जेल भरो, जेल भरना मामूली बात नहीं है। जिस दिन जेल भरा उस दिन सब कोई भी सरकार हो कुछ कर जाएगी, नहीं चल पाएगी। जेल जाने से लोग डरते हैं, सत्याग्रह करने से डरते हैं, मुकदमा हो जाता कोई चीज प्रदर्शन में तो सब भी बोलते हैं हम पर मुकदमा हो गया है। चुनाव के समय में 107 होता है वर्कर लोगों के ऊपर, अब इसमें सब परेशान हो जाते कि हम पर 107 हो गया है। अरे 107 कोई दफा आ गया तो शांति और पीस मेंटेन करने के लिए सब पार्टी पर उस पर लगाया जाता है। हम लोगों जो चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं, चुनाव आने के पहले जो प्रक्रिया है टिकट देने का, टिकट वितरण करने का, वो काम है नीचे के संगठन का काम है कि छान करके देख करके 1, 2, 3, 4, 5 उम्मीदवार का नाम भेजना चाहिए पार्टी ऑफिस में। पार्टी उसमें देखेगी, राय लिया जाएगा लोगों को, जिम्मेवारी दी जाएगी लोगों को, लेकिन हो नहीं पाता। हम लोग चुनाव आता तो भीड़ जुटना शुरू हो जाता। हमारे बगल में अखिलेश यादव जी हैं, या मीसा भारती के क्वार्टर के सामने यूपी में चुनाव है, और जब जब यहाँ आते हैं फ्लैट में 1,500 आदमी लाल टोपी पहन करके यहाँ जुट जाते हैं लोग, ताकि एक झलक अखिलेश जी देख लें। टिकट मांगने के लिए आते हैं लोग, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है ज्यादा भीड़ लगाने से। इससे संगठन को तेज और धारदार बना करके हर चीजों को गांव में पहुंचाना चाहिए, पंचायत स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, जो आप लोग जुटे हुए हैं। अच्छा हुआ मैंने आह्वान किया साफ है कि हरा पट्टी लगा लीजिए, गमछी लगा लीजिए, अब आगे टोपी भी लगा लीजिए हरा, ये आपका पहचान हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल का। ऑफिस में जाना है, कार्यालय में जाना है, कोई काम के लिए जनता के बीच में जाना है, झंडा लेके जाना है, तो लोग समझे भाई ये तो आ गए लोग, राष्ट्रीय जनता दल वाला लोग आ गया। कोई भी घटना कहीं होती है गांव और देहात में अन्याय जुलुम, वहां पार्टी के लोगों को झंडा लेकर के वहां पहुंचना चाहिए स्पॉट पर। जो सताए जाते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए सब लोगों, ये रखिएगा ध्यान में। कोई उपदेश हम नहीं दे रहे हैं, मैंने इसके आपके लिए फायदा की चीज है, पार्टी के लिए भी। वोट का समय आता है तो सब गांव में जाना चाहिए लोगों को, बहुत लोग बैठे रहते हैं दूसरे गांव में भी, हम लोग के उम्मीदवार छांट के आगे निकल जाते हैं, जाते भी नहीं, आप जाओगे नहीं तो वोट मिलेगा कैसे भाई। इसलिए वोट हमारे अनुपस्थिति में आप लोगों ने तेजस्वी के नेतृत्व में तो शानदार प्रदर्शन किया है, मामूली बात नहीं है। मैं सारी चीजों को देख रहा था, सारी सभाओं को देख रहा था, और सीट जो आया ये मामूली सीट नहीं है, सरकार तो बना ही दी थी बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को, लेकिन जो बेमानी हुई है, बेमानी कहाँ हुई है उस चीज को हम लोग सब समझ रहे हैं। अब सोच सके जेल से बाहर में नहीं था, ये सारे बेमानी लोगों हम लोग पकड़ के इनको एक्सपोज करते। डाक से जो वोट आया था आप सब लोगों को मालूम होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट मास्टर लोगों का, टीचर लोगों का था, सब हम लोग के पक्ष में था, पूरे बिहार का, उसका गिनती नहीं किया, काउंटिंग नहीं किया। और लास्ट तक कम मार्जिन से जो हमारे कैंडिडेट जीत रहे थे उनको उड़ा दिया, हटा दिया, और दूसरे को डिक्लेयर कर दिया। ये उनके नियति में थी,
कि राज नहीं मिले, इनके रुकने से राज नहीं मिलने का इनका सपना ही रह जाएगा, राज हमारा होगा, राज आएगा, बिहार की जनता देगी, उनसे कृपा से नहीं चलता है। पार्टी के जितने भी साथी हैं, उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, मध्य बिहार हो, इस पर हमने देखा है कि जहां उम्मीद नहीं करते थे वहां एमएलए बन गए हम लोग के, यहाँ कठिन समझते थे कि यहाँ कैसे पार्टी जीतेगी, देखो वहां भी हमारी जीत हुई है, काफी संराज जीत हुई, 175 विधायक संभवतः आज है हमारे पास। इस पार्टी को इतना इतना एमएलए वाली विधायक वाली पार्टी कहाँ, वो लोग लार्जेस्ट पार्टी हमारा है भारतीय जनता पार्टी, तो दोनों जूटा, दो इंजन जूटा है, एक मालगाड़ी वाला है, वो इलेक्ट्रिक है, तो अपना ये सरकार बना है, कब दोनों इंजन छितरा जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, इसके पूरा हमको भरोसा है कि बीजेपी बिहार में, बिहार की जो सरकार है चली जाएगी, नीतीश कुमार के बीजेपी की सरकार, प्रशांत होगा, मैं देख रहा हूँ इसे, और गलतफहमी में लोगों को नहीं रहना चाहिए कि हम लोग चीजों को टाल देंगे और हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसलिए रुका हूँ, डॉक्टर कामेश्वर यादव जी, योगिंदर यादव जी हमारे जो है एम्स के, राकेश यादव जी, हम रोज उनसे आग्रह करते हैं कि हम बिहार जाना चाहते हैं, हमको कब जाए, कब छुटे जाए, बोले कि अभी जाएगा, जाइएगा, पानी कम पीजिए, पानी पर रोक हमको लग गया है, पानी पर बहुत कम पानी, सुबह शाम रात में दिन में लिक्विड लेकर के सब बना करके 1 लीटर में सब में उतना ही रखना है, हम बोलो तो पानी के बिना रहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता, कभी कभी एक्सीड हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि समय बीच में समय निकाल करके हम कम, डॉक्टर साहब कब राय देंगे, हम आपके बीच में आएंगे, लगातार मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके बीच में आऊंगा, कुशेश्वर स्थान, आजादी के पहली बार वहां के मुसल भाइयों का सूर्योदय हुआ है, और गणेश भारती वहां से हम लोग के पार्टी के उम्मीदवार हैं, सब उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या मुसहर भाइयों का है, मुसहर हैं, यादव हैं, मुस्लिम भाई हैं, बिंद है, बला है, और पासवान भाई भी हैं, ये सबसे ज्यादा मुसहर भाइयों की संख्या है समाज के अंतिम पायदान पर, जिनके लिए मैं मुख्यमंत्री था, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काफी मैं संघर्ष किया था, काफी जगाया, आज भले जो कुछ भी कोई बात कर ले, ये डोम भाई, मुसहर भाई, हरखोर, इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया, भोला राम तूफानी अभी नहीं है, जीवित नहीं है, मंत्री उनको बनाए थे पशुपालन में, भोला राम तूफानी सच्चा आदमी से थे, स्वीपर समाज से आते थे, हमको भोला भाई हेलीकॉप्टर पर चढ़े कि नहीं कभी, अच्छा ना ना हजूर हमारे हेलीकॉप्टर पर एक दिन चढ़ा दे, हम तो अपने क्षेत्र के प्रोग्राम बनावा हेलीकॉप्टर लेके आप जाइए, दिया उनको हेलीकॉप्टर में गए अपने इलाका में, और चारों तरफ जब घूमने लगे ऊपर हेलीकॉप्टर से, और लौट के जब आए है भीड़ा तूफाने जी भोला भाई, हम पूछा कि क्या लोग बोल रहे थे, तो हंस के बोले हुजूर लोग बोला कर रहा पूरा, ललुआ तो बनाइए दल सिंह क्या के ऊपर से भी
हमने के देह पर मुतु आवा था ऊपर से, इस तरह का बॉडी, इस तरह की भाषा लोग बोलते थे रहते। समाज के हर तबका को हमने उम्मीदवार बनाया, बनाते हैं, बनाएंगे। ताकि आप लोगों एक चीज पर ध्यान देना है कि वोट जिस दिन होता है उसके पहले मॉक पोल होता है, मॉक पोल, मॉक पोल में 40-40 वोट गिराती है हर पॉलिटिकल पार्टी, गिराया जाता है। फिर लालटेन में दिया तो लालटेन में आ रहा है कहीं दूसरी जगह जा रहा है, अगर जा रहा है दूसरी जगह तो उसको ठीक कर रहा है। धूप वजह से ये मॉक बक्सा का वितरण शुरू हो जाता है क्षेत्रों में, और हम लोग सोए रहते हैं क्या क्या हो रहा है। बीच में डकैती 30,000-40,000 वहीं से टाइप करके लोड करके भेजता है बूथ पर, 8 बजे से फिर चुनाव होता, वोटिंग शुरू होता है। ये मॉक पोल को हम आग्रह करेंगे तेजस्वी से, और भी जो हमारे नेता लोग हैं, शिवानंद तिवारी जी लोग हैं, कि जो मुख पर खर्च करता है लोग, सबको इसकी जानकारी सिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए। वोट शुरू हुआ तब से वोट जब तक लोड मैंने हो नहीं जाए, पूरा सील नहीं हो जाए, बूथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो छोड़ते हैं बूथ, उसमें भी गलत कर देता है सर। हर तरह के समाज में कर्मचारी में पदाधिकारी में लोग हैं, और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा हमको। आएंगे तो आपके बीच में आएंगे, मिलेंगे आपसे। काफी सुधार हुआ है सेहत में, स्वाद में, अभी तो यहाँ रेस्ट ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो छोड़ेगा तो हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, पार्टी को और मजबूती देंगे। पार्टी देखो भाई, ये पार्टी सेल्फ मेड पार्टी, हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होकर, किसी की कृपा से नहीं, हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया है, और इतनी ताकत बिहार की जनता, देश के लोगों ने ताकत दिया, राष्ट्रीय जनता दल नेशनल मैप पर आज राष्ट्रीय जनता दल की चर्चा और गिनती होती है। कितना एमपी बनाया हम लोग, कितना राज्यसभा के मेंबर, कितना एमएलसी, कितना एमएलए, आप उलाट के पन्ना देखिएगा तो मालूम हो जाएगा कि भाई ये पार्टी हम लोग तो खुद ही इसको टिकट हम लोग देते दिए हैं, इतना से इतना जीता। अरे लोगों को टिकट नहीं मिलता था, घूमते रहते थे लोग, दूसरे पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, आला कमान, माने आला कमान का क्लियरेंस होगा, आला कमान देगा, दिल्ली देगा, तब टिकट माना जाएगा। लेकिन हम तो पेड़ के नीचे टिकट दिया, समुद्र दस्तखत करते हैं बैठ के। जेल से स्वराज मिला है, स्वराज मिला जेल भरो का कार्यक्रम ही बनाना चाहिए। जगता जी को सब जानकारी है, मालूम है इन चीजों को, देखे को, और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए इशू पर। इशू पर जो इशू है चल रहा अभी देश में, समस्या है लखीमपुर खीरी में जो हुआ सब बता रहे थे आप लोग, इतना लोग रौब डाला, देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा, वो सब इसको हम लोग कंडम करते हैं। याद तो सुना कि न्यायिक जांच होगा, अब कब होगा, लेकिन यहां के सामने जो हुआ है सबको पता है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मुबारकबाद देते हैं पदाधिकारियों को, तेजस्वी यादव को सर, या जगता भाई को, सिद्दीकी जी को, मेहता को, सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग इसी काम में आप लोग लगे हुए, इसमें लगे रहिए, आगे बढ़िए। और मुझे अवसर दिया आप लोग बोलने का यहां से, इस सम्मेलन में हाजिर होने का,
मैं अपने प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय। अब हम सब लोग जिस वीडियो के लिए बैठे थे, जो कि अपने आप में दस्तावेज है नरसंहार का, हम सब उसको साझा रूप से देखेंगे, भर्त्सना करेंगे। और फिर से एक बार बता दूं, मंत्र